नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसद की स्थायी समितियाँ। आइए जानते हैं संसद की स्थायी समितियाँ चर्चा में क्यों रहा। 2019 में नए लोकसभा के गठन के साथ संसद की स्थायी समितियों का चयन किया गया है। संसद ने 24 स्थायी समितियों को मान्यता दी है, जिसमें 13 समितियों की अध्यक्षता बीजेपी सांसद, 3 समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद और 7 की अध्यक्षता अन्य पार्टियों के सांसद करेंगे। आइए जानते हैं क्या है स्थायी समितियाँ। लोकतंत्र में कार्यपालिका का काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण 90 के दशक से ही कार्यपालिका के काम काज को बेहतर बनाने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता रहा है। स्थायी समितियों में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को एक समान महत्व व दायित्व दिया जाता है। इस कारण इसे देश की छोटी संसद भी कहते हैं। ये स्थायी समितियाँ किसी भी विषय पर जनता से लेकर विशेषज्ञों से राय लेती है और उसे संसद और सरकार तक पहुंचाती है। आइए जानते हैं कैसे होता है स्थायी समितियों का गठन। संसद उन सभी विधायी और जटिल प्रकार के मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती, अतः संसद का बहुत सा काम स्थायी समितियां करती हैं, जिसे संसद की समितियां कहा जाता है। ये समितियां सभा के नियमों या अध्यक्ष के द्वारा गठित की जाती है। संसदीय समिति को दो भागों में बांटा गया है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समिति स्थायी एवं नियमित समिति है, जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियमों के उपबंधों व नियमों के तहत किया जाता है, जैसे वित्तीय समिति। जबकि तदर्थ समिति एक अस्थायी समिति होती है। यह किसी विशेष उद्देश्यों के लिए गठित की जाती है। वे अपना काम समाप्त करने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाती है, जैसे संसद के व्यवहार से संबंधित समिति। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार निरंकुश शासन स्थापित न कर पाए, इस कारण इन समितियों का गठन किया जाता है। आइए जानते हैं स्थायी समितियों का क्या महत्व है। स्थायी समितियां जनता और कार्यपालिका को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। इनके माध्यम से ही सरकार या कार्यपालिका किसी मुख्य विषय के महत्व और हानियों के बारे में जानती है। स्थायी समितियां किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल से मुक्त होने के कारण किसी भी विषय की निष्पक्ष जांच करती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल हमारी टीम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।